हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और सॉरी, बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है। तो ये कुछ प्रीवियस क्लिप्स हैं, ये न्यू ईयर की क्लिप है। तो घर पे थोड़ी सी ऐसे कथा वगैरह, कुछ पूजा पाठ हो रहा है, तो आप देख रहे हो सर्दी कितनी है, सब सर्दी में। और ये हो रही है थोड़ी शाम टाइम में पूजा, तो आप देख सकते हैं घर पे ये हम लोगों ने रखा था न्यू ईयर पे। मैंने कहा ना कि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। जय तुम देवी कात्यायनी, जय सरस्वती देवी कालरात्रि नमोस्तुते स्वाहा। और ये न्यू ईयर के नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। और यहाँ पे ना 4 दिन कंटिन्यूअसली, इसीलिए यहाँ मोस्टली मतलब लोगों को तबीयत ख़राब हुई है। इतनी बारिश, इतना ठंड, इतना फॉग रहा है ना कि बहुत मुश्किल से मीन्स कपड़े सूखने मुश्किल हो गए। आप देख सकते हो हालत कितना ठंड, और कुछ नहीं दिख रहा है। तैयारी पढ़ लो तो पढ़ लो, जो करना पापा कहीं नहीं जा रहे हैं। आप पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करो। बाबा बताओ लगा जा रहे हो? छत पे जा रहा हूँ, मुझे नहीं आना। पहले होमवर्क कर लो तब जाना, ठीक है? हॉलीडे होमवर्क कौन करेगा पूरा? मम्मा लेकिन बाबा फिर चले जाओ। मम्मा लेके जाएगी, मम्मा कभी कुछ नहीं लेके जाती, मम्मा जाएगी खुद भी लेके आएगी। धूप, आज धूप नहीं, देखो वापस जा रही है धूप। और देव खाना क्या खाओगे? कुछ नहीं तो ठीक है, कुछ मत खाओ, चलो ठीक है। तो निलय को ना ये वाला सैलड बहुत पसंद है, ये तो एकदम कॉमन है सर्दियों में। तो इसमें मैंने मूली, अब इसमें कैबेज भी मीन्स पत्ता गोभी भी डाल सकते हो, थोड़ा सा पतला पतला चॉप करके। बट मुझे चॉपिंग बहुत अच्छी नहीं आती, इसलिए मैं चाकू से काट के डालती हूँ। तो उसमें मैंने यूज़ किया, देखो, मूली, देन गाजर, प्याज, टमाटर और ऊपर से धनिया। और ये आपको जैसा सही लगे वैसा कर लो। और इधर रेडी कर ली है मैंने अपनी, ये देखिए गरम गरम है आलू मेथी की सब्जी। आप उसको रेड दिख रहा होगा, तो निलय को हर चीज में टमाटर चाहिए रहता है, तो इसलिए मैं एकदम बारीक सा लास्ट में डाल देती हूँ, जिससे कि बस उनको टेक्सचर आ जाए कि हाँ इसमें टमाटर पड़ा है। देन मैंने मैंने छौंका लगा के रेडी कर दी है अपनी दाल। और ऑब्वियसली मेथी की सब्जी के साथ आपको अरहर की दाल अच्छी लगती है, तो एक ये अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। देन इधर मेरे चावल रेडी हैं, तो चावल मैं नहीं खोलूंगी, नहीं तो फिर वो हो जाएगा। और इधर मैंने रेडी किया है अपना बूंदी का रायता, एकदम मस्त गाढ़ा सा। ये घर वाला दही था, आजकल तो दही जम नहीं रहा है, लेकिन मैंने जमा लिया था कुछ ट्रिक्स यूज करके। मुझे मन कर रहा था बथुआ, एक्चुअली मेरे पास नहीं था, नहीं तो मुझे बथुआ करना रहता। चलो हम लोग खाना खाते हैं। मौसम अगेन, ये भाभी वाली बालकनी है, मतलब मेरे को आप रेडी हुए देख रहे हो, मैंने पहन रखे मोजे, देन स्वेटर, देन ये और मेरा ये वाला बैंगल जो कई लोग को बहुत 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 पसंद आया था। तो हम लोग जा रहे हैं आज, नीचे क्या है, आज है एक बर्थडे पार्टी। वो जो उस दिन भाभी के घर पे गए थे ना, उनके घर पे है, उनके बच्चे का बर्थडे है, तो सबका ना टाइम फिक्स हुआ है। मतलब हम लोग की अभी इस टाइम पार्टी है, बच्चों की शाम को बर्थडे वाली कटिंग वाली पार्टी है, उसके बाद और बड़ों वाली है, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। अभी बजे हैं शाम के 3:30, मीन्स 4 बजे से है, तो अभी 4:15 करीब हो रहा है, और बारिश हो रही है, स्टिल बारिश हो रही है। तो बस हम लोग रेडी हो गए हैं, जा रहे हैं नीचे। वहाँ अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर शूट करूँगी, क्योंकि सब लोग आ रहे हैं, मतलब हमारा ब्लॉग पूरा 2-4-6 हर लोग, जो लोग नहीं होंगे, जो जॉब वगैरह में होंगे तो वो शायद नहीं हो। तो जा रहे हैं नीचे, बाकी अपडेट आके की वही दूंगी मैं आपको। अभी ये खोलेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी अरेंजमेंट। ये मीरा दीदी हैं, ये अपनी भाभी हैं।
सबका वेट हो रहा है। और ये मैंने तो आपको पहले भी दिखाया था। सब लोग आ गए हैं इधर साइड में, ये भाभी का मंदिर सुंदर सा लगता है। इसका मैंने बताया था उस दिन भी आपको बताया था, मैंने यहीं से इनका कॉपी किया था। कॉपी करने से चीजें आती हैं। तो चलो देखते हैं क्या हो रहा है अंदर। तो बस हम लोगों का स्टार्टर सब बोल सकते हो, जो भी स्नैक्स स्टार्ट हो गया। और सब होममेड है, सब भाभी ने खुद बनाया है, चटनी वटनी सब कुछ बनाया है। तो बड़ा बढ़िया सा, चटनी पे तो बहुत डिस्कशन हुआ, बहुत अच्छी बनी थी इनकी ये ग्रीन वाली चटनी। अच्छा, मैंने इनसे पूछी क्यों मैं ना भटूरों के संग मिर्ची बना दूं, तो इनने कि तुम देख अच्छे से लेके आना। मुझे क्या ले लेना, ले लिया ना भी ना, बस थोड़ी खट्टी चावल ले, तुम भी ले लो ना। बस हम लोग भाभी के यहाँ से लंच वंच करके जब आ गए थे, और मेरी ना अभी एक दो दिन से थोड़ी तबीयत नहीं सही चल रही, इसलिए व्लॉग नहीं अभी कंटिन्यू कर पा रही थी। और मैंने और वेद ने ना आज सेम कैप लगा ली, मैंने देव की मार ली है ना, है ना वेद। पर नीला ने कहा कि कुछ अच्छा बनाओ, तुम लोग खा के आयो, पार्टी करके आयो। तो मैंने बनाई है पाव भाजी, तो ये देव की रखी है, नीला अंदर खा रहे हैं। वेद को मैं जल्दी फिनिश करवा दे रही हूँ, क्योंकि इनका हॉलीडे जो होमवर्क है वो काफी बाकी है, तो ये बुक्स रखी है, मैं इनका फिर होमवर्क करवाऊंगी। तो बस यही कुछ कुछ तो ऐसे बनाया है। कैसी लग रही है, ये फर्स्ट टाइम मैंने करी है ट्राई, मतलब ट्राई इन द सेंस अभी वो तो बड़ी ही जाएगी उसकी, अब तो देख के लगा पाएगा, बट मुझे बड़ी अच्छी सी लग रही है, लूज लूज सी और पैक पैक सी, है ना। दिव्य दिखा दो, हम और वेद एकदम ऐसे बराबर बराबर से लग रहे हैं। तो बस अब इन लोगों को मैं पढ़ाऊंगी, और आज का व्लॉग ये छोटा सा व्लॉग है मुझे पता है, मैं यहीं एंड करूंगी, कोशिश करती हूँ आगे करने की, तबीयत पर डिपेंड करता है काफ़ी कुछ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।